चैनल कुंदन सिंघल ब्लॉग्स। और दोस्तों हम आप पहुँचे हैं बिहार की राजधानी पटना, यानी कि भूतपूर्व नाम यानी कि प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा, जो आज बिहार की राजधानी आज भी है। और बहुत ही शानदार ये जगह है, यानी कि महात्मा बुद्ध जैसे और आर्यभट्ट, रामधारी सिंह दिनकर और आनंद सर जैसे यहाँ पर बड़े से बड़े ज्ञानी हुए, और ये तमाम बड़े से बड़े यहाँ पर शासक हुए, जो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक जैसे शासक यहाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, चाणक्य जैसे यहाँ पर पूरे शक्तिशाली सम्राट ने शासन किया। और मैं भी मरुवंश से ही रिलेटेड करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं पाटलिपुत्र का जंक्शन का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। काफ़ी शानदार है और काफ़ी मशहूर है, और प्राचीन सभ्यता से हमारे भारत का गौरव रहा है और बिहार की टिकट घर और ये जो आप देख रहे हैं वो मंदिर आपको दिख रहा है, ये मंदिर हनुमान मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है। और ये मंदिर यहाँ बहुत लोग आते हैं और अपनी पूजा पाठ के दौरान मन की मन्नत पूरा करते हैं। इस मंदिर का भी ब्लॉग आपको बनाऊंगा, चूँकि समय बहुत कम है और मुझे मीटिंग में जाना है, इसके वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कितना शानदार और खूबसूरत हमारा पाटलिपुत्र यानी पटना जंक्शन सारी चीज़ें। तो वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से एंट्री गेट है, निकासी और एंट्री दोनों वहीं से है, यानी प्रवेश और उसके बाद चीज़ें आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस और एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह पटना में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडियोज हैं, फिल्म स्टूडियो ज्ञानी का ये माटी रहा है, क्षत्रिय यहाँ भी देख रहे हैं देश का प्राचीन ट्रेन है इसे अंग्रेजों के जमाने का, आजादी से पहले का समय का बताता हूँ। सब देख रहे हैं, तो चलिए पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको पाटलिपुत्र नज़दीक से भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसा सारे काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और आने वाले समय में तो आपको तमाम जगहों को मैं ब्लॉग करने जा रहा हूँ, देख सकते हैं। और मुझे भूख भी लग गई है, तो मैं खाने के लिए नाश्ता करने के लिए और खाने के लिए देख मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि जो आपको भूख लग गई देख रहे हैं तिरंगा है। देख सकते हैं पटना जंक्शन, कितना समय निकाल कर आप लोग के लिए मैं ब्लॉग सुना रहा हूँ। और पटना कॉलेज देख सकते हैं, पटना कॉलेज
पास है। ये तमाम चीज़ें आप लोग को मैं अपनी लाइफ के ज़रिए दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी दूर में है और काफ़ी शानदार है। और उधर में होटल है जहाँ से मैं जब भी मैं पटना आता हूँ तो उस होटल में खाना खाता हूँ, तो मुझे भूख भी लग गई है बहुत दूर से। तो मैं कह रहा है कि भोजन करने की और फिर उसके बाद यहाँ से मैं निकलूँगा और निकलूँगा गेट नंबर वन उधर से आने का रास्ता है, ट्रेन से उधर से आने का रास्ता और यहाँ से गेट नंबर टू से जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं ये महात्मा बुद्ध का, ये देख रहे हैं पूरी तरह से बना हुआ है, मतलब है सम्राट अशोक का वो छत्र बना हुआ है, उसका स्तंभ बना हुआ है। बिहार की ये गौरव है, बिहार की एक पहचान है, जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से। विस्तार वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को, लगातार वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी समय आप लोग दे रहा हूँ। हमारा देखिए तिरंगा, देश का शान तिरंगा लहर रहा है जो आज़ादी की लड़ाई से पूरी बना हुआ है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के लड़ाई में अपना शस्त्र त्याग कर दिया था विश्व शांति के लिए। और ऐसा वो उसके बाद और देख रहे हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का मैंने गांव भी आप लोगों को तारेगना का ब्लॉग्स बनाया है, बट लंबा तो बन नहीं पाया है क्योंकि मैं ट्रेन में बैठा हुआ था इसके चलते, लेकिन जब भी समय मिलेगा तो मैं वहाँ करूँगा। तो गेट नंबर वन है वहाँ देख रहे हैं, फिर उसके बाद एस्केलेटर के द्वारा भी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्स लोग वगैरह आते हैं तो उसके ज़रिए भी जाते हैं। तो इधर में आप जब आएँगे तो इधर में शुद्ध बिहारी खाना मिलेगा, जो आप लोग को लिट्टी चोखा से लेकर के चावल रोटी का तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं भोजन करने, और इस ब्लॉग्स में हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, कुंदन सिंह हाल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल वो भी देख रहे हैं। यहाँ से एक गेट भी हम देख रहे हैं, सेंटर है जहाँ से खाने वाने की व्यवस्था मिलती है, होटल्स वगैरह भी हैं। यहाँ से दूरी से डिस्टेंस दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ का जो बुक है यहाँ चला जा रहा है, काफ़ी शानदार है, बेहतरीन है। और बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र का इतिहास हमारे प्राचीन सभ्यता से रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं वो पहले आता था तो यहाँ पर तो गेट था और ओपन रहता था, बट यहाँ पर दीवार वगैरह लाइन बाकी। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप घर रह सकते हैं पटना में, और भोजन भोजन यहाँ पर आप देख रहे हैं शौचालय वगैरह काफ़ी डेवलप कर गया है। तो मैं साल पहले पटना आया था तो इतना परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है पटना आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार और चेंज हो गया है। तो आइए चलते हैं, सारी चीज़ों को तो मैंने दिखा ही दिया है। फिर इसके बाद ये दीवार नहीं था और ये देखा दोस्ती कर गया और सुंदर शौचालय। और यहाँ से अब आपको दिखाते हैं कि ये देख रहे हैं बिहार का आंदान शान, यहाँ से आज जहाँ मैं हमेशा आता हूँ पटना तो वहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो वहाँ मैं आता हूँ। तो चलिए खाना खाने के लिए चलते हैं और देखते हैं। तो इस ब्लॉग में और लगातार होटल करने का व्यवस्था है हमारे ब्लॉग्स में ही बने रहे हैं आप, और विस्तार वीडियो आप लोग के बीच बना रहा हूँ काफ़ी कुछ समय देकर के, जो आप देख सकते हैं। ये ब्लॉग्स बना रहा हूँ चैनल के लिए, चैनल के लिए। तो अभी हमारे भाई साहब यहाँ देखते हैं कि भव्य मिश्री होटल वगैरह है, तो उसके बाद तमाम होटल्स वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं। तो उससे सरकारी भोजन वगैरह मिलता है और काफ़ी अच्छा और शानदार वगैरह मिलता है। ये विस्तृत वीडियो आप लोग लिए जब भी आप पटना आते हैं अगर आपको भूख लगती है तो पाटलिपुत्र जंक्शन से यहाँ पर खाने के लिए शुद्ध हमारा शाकाहारी भोजन आपको मिल सकता है, आप देख सकते हैं। और पूरी तरीका से हम लोग देख सकते हैं हमारा खाने का टाइम हो गया, तो आज के ब्लॉग्स में इतना ही। यहाँ देख रहे हैं तमाम होटल्स का लोग हैं, जब भी आप आते हैं हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से पाटलिपुत्र में आते हैं तो इसके जस्ट वहाँ पर रेलवे स्टेशन पड़ता है, और यहाँ पर एक होटल है खाने का और रहने का पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन है, कम बजट में यहाँ पर शुद्ध खाने मिल जाते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ के होटल में बताता हूँ खाना खाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दिया है कि कभी भी आप पटना आए तो यहाँ होटल्स वगैरह से बने हुए हैं और कम रेट में भी आपको खाना यहाँ पर मिल जाएगा और खाना मिल जाएगा। अब मैं वो देख रहा हूँ जहाँ से मैं खाना खाता हूँ वो होटल जहाँ से मैं हमेशा रहता था और देखता हूँ होटल है थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो सर यही मेरा होटल है जहाँ पर मैं हमेशा खाना खाता हूँ और माँ वैष्णो यहाँ पर खाना खाऊँगा, उसके बाद अपना मीटिंग के लिए निकलूँगा। अब तक हमारे चैनल के साथ बने रहे।